बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आज बनाने लगी हूँ विक्स वेजिटेबल। ये एक कटोरी गोभी है, हाफ के जी गाजर है, एक बड़े साइज़ की प्याज है, हाफ के जी आलू, और ये टमाटर है, मटर हैं, ये एक बड़ा टमाटर है, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें, ये एक टीस्पून नमक है, एक टीस्पून ही हल्दी, एक टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, एक टीस्पून गदरा मिर्च और खुश्क पिसा हुआ धनिया एक टीस्पून। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये धनिया है, इसमें मेथी भी ऐड कर सकते हैं, इसमें बाकी आपको जो वेजिटेबल आपको अच्छी लगे वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और एक कप ऑयल है। इसमें ऑयल डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कप ऑयल, ये प्याज, हम प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, प्याज हमारी ऐसी ब्राउन हो गई है, अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें डालेंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ये एक मिनट के लिए इसको हमने भूना है। अब इसमें डालेंगे ये सारे स्पाइसेस, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको भूनेंगे। इसमें टमाटर शामिल कर देंगे, ये मसाला अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। ये मसाला हमारा भून चुका है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, मसाला हमारा भून चुका है। अब इसमें हम मटर ऐड कर देंगे और गाजर, इसको मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसको हम 10 मिनट के लिए लो हीट पर रख देंगे, क्योंकि मटर आजकल नए आए हैं, ये पता नहीं सख्त हैं, इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ये पहले हम इस सब्ज़ी को गलाएंगे, हम इसको ढक देंगे और इसको हम 10 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे। 8 मिनट हो चुके हैं, ये मैंने लो हीट पे बिल्कुल ये रखे थे, ये अब थोड़ी सब्ज़ी सॉफ्ट हो गई है, सब्ज़ी अब थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, देखिए। अब हम इसमें ये गोभी और आलू शामिल कर देंगे। अब हम इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट और रखेंगे तो ये हमारी सब्ज़ी हम चेक करेंगे तैयार हो गई है या नहीं। ये अपने ही पानी में अब पकेगी, अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, एक टेबल स्पून के जितना। अब हम इसको फिर लो हीट पे 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, सब्ज़ी हमारी गल चुकी है। अभी थोड़ी कसर है और हम इसको 5 मिनट और रखेंगे। ये सब्ज़ी हमारी गल चुकी है, लेकिन अभी हम इसको 5 मिनट मज़ीद रखेंगे। ये
ये 10 मिनट हो चुके हैं। ये मैंने एक मतलब बीच में अंडी खोल ली थी, उसमें मैंने थोड़ा सा 2 टेबलस्पून जितना पानी भी डाला था। अब ये सब्ज़ी हमारी हो चुकी है, अब इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे। इसमें ये डालेंगे हरा धनिया, मैं इसकी अब आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसे 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे, ये खाना हमारा तैयार हो जाएगा। 2 मिनट के लिए मैंने भुनाई की है, ये सब्ज़ी भी सारी गल चुकी है और देखिए, और इसको मैंने खड़ा भी रखा है, ज़्यादा घुलने नहीं दिया। घुलिया में ऐसे पसंद है, अगर आपको घुली भी पसंद होगा तो आप इसको भूनेंगे तो ये भून जाएगी। मैं हल्के हाथों से भून रही हूँ, ये भून गई है। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हमारी फाइनल लुक, अब आप देखें ये खाना हमारा तैयार हो चुका है। ये सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी होती है। ये खाएँ और मुझे दुआओं में याद रखें। अब जो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।